बसमिल रही डूइंग ग्लोबल मैक्रो हेज फंड हमने मैक्रो लेवल की बात की थी कि दैट टॉक्स अबाउट कंट्री लेवल्स इकानमीज लेवल्स अब कुछ इसमें हेज फंड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इस स्ट्रेटजी को लेके मूव करते हैं अब हम आज बात करेंगे हाउ दैट वर्क अ ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटी इज़ अ हेज फंड और म्यूचुअल फंड स्ट्रैटी दैट इज बेस्ड ऑन प्राइमरली होल्डिंग ओवरऑल इकनॉमिक एंड पोलिटिकल व्यूज ओवर वेरियस कंट्रीज यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे ये कंट्रीज लेवल पे इकोनमीज पे व्यूज अपने लेते हैं और उन पे अपनी पोजिशन लेते हैं कि वेयर दे एक्सपेक्ट मूवमेंट्स गोइंग अप डाउन एंड देन दे टेक देयर पोजिशन इन दैट ग्लोबल फंड्स आर नॉर्मली एक्टिवली मैनेज क्योंकि ये फ्रीकुंटली चीज़ों को देख रहे होते हैं तो फिर जब एक्टिवली मैनेजमेंट आती है दैट मीन देव हाई लेवल प्रोफेशनल्स एंड एट द सेम टाइम उसकी फिर थ्रेश होल्ड और इसकी मीटिंग जो उनकी है एडमिन फ़ी वग़ैरह वो भी हायर साइड पर होती हैं कंपेयर टू पैसि मैनेज यानी कि जो इंडेक्स वगैरह को ट्रैक कर रहे होते हैं उनसे इनकी फीस वगैरह हाई होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मैनेजर बिलीव द यू एस इज़ हेडेड इन टू रिसेशन ही में अब उसका ख्याल है कि यू एस मार्केट्स ने थोड़ा फॉल करना है तो वो क्या कर सकता है U.S. के स्टॉक्स या ग्लोबल लेवल के जो उनके मेन हैं उनको स्टॉक्स कर दे या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले ले इस तरह के U.S. मार्केट की रिसेशन या फॉल से ही विल गेट द बेनिफिट एंड एट द सेम टाइम ही सी द अपॉर्चुनिटी के जी सिंगापुर डेवलपिंग है ग्रोइंग मार्केट है और उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा है तो ही कैन टेक लॉन्ग पोजिशन इन दैट तो यानी कि ये किसी एक दो कंपनियों लेवल की बात नहीं कर रही मुल्कों की इकनॉमिक लेवल्स की बात हो रही है कि अच्छा जी यू के हालात ख़राब हैं उधर शॉर्ट हो जाओ सिंगापुर अच्छा जा रहा है उसमें लॉन्ग हो जाओ तो ये ग्लोबल लेवल पे मैक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटिस्ट मेक फोरकास्ट एंड इन्वॉल्विंग फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं पॉलिटिक्स वहाँ पर कैसी चल रही है हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ हाउ मेच्योर दैट इज़ डोमेस्टिक और फॉरन पॉलिसीज़ क्या हैं किस तरह की वो ग्रोथ्स हैं वट देअर इंटेंशन इज़ उनकी इंटरनेशनल ट्रेड क्या हैं करेंसी एक्सचेंज रेट यानी कि बिगर लेवल पिक्चर मैक्रो लेवल पिक्चर की यहाँ पर बात हो रही होती है और उस लेवल पर ये डिसाइड करके और गेज करके ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पाक कर रहे होते हैं बहुत डीप डाउन जा रहे होते स्टे ऐट द मेन टॉप टॉप लेवल ग्लोबल माइक्रो हैड फंड आर कंसिडर अमंगस द लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड फंड एज दर्नरल प्लेस एनी टाइप ऑफ ट्रेड वेन दे चूज़ विद यूजिंग ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इनका ज़रा जिनको कहते हैं कि फ्री हैंड भी होता है इनको इस सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने किस में रुकना है किस में कितने परसेंट डालना है इनको ज़्यादा फ्री हैंड लिए दिया होता है दे कैन गो एनी वेयर इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एकदम वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल भी सकते हैं जो कि आम इन्वेस्टर्स जो लोकली या एक जगह पे स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं उनके साथ बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने एक सिक्योरिटी में इतने परसेंट रखना है इससे ज़्यादा एक सेक्टर में नहीं जाना इस सेक्टर को हेज़ फंड वैसे भी कम रेगुलेटेड होते हैं अनस्पेसिफिकली स्पेसिफिकली मैक्रोवानस दे आर हैविंग अ ब्रॉड होराइजन उनका जो मैंडेट होता है वो बड़ा वाइड होता है

यू कैन बेट ऑन द मूवमेंट्स इन द इंटरनेशनल करेंसी तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर दी सच मैक्रो फंड फंड मॉनिटर एंड प्रोजेक्ट इकोनॉमिक एंड मोनिट्री पॉलिसीज कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं कि आप एक्सपेंशनरी हैं कॉन्ट्रैक्टरी हैं किस तरह की कंट्री लेवल पर चल रही है कहाँ वो कैसा काम कर रहा है तो उसकी बेस पर एक्सपेक्टेशन जनरेट करते हैं एंड देन देख इन एंड देर ऑल्सो हाईली लेवरेज करेंसी ट्रेड हाई लेवरेज से मतलब कि विद लेस इक्विटी दे टेक अ मोर पोजिशन यानी कि लोनिंग प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें डेरीवेटिवस uh, का भी बहुत इस्तेमाल कर रहा होता है और स्पॉट में भी लोन के साथ ये ट्रांजेक्शन्स को लेवरेज करके कर रहे होते हैं तो दैट्स मीन के हो सकता है वन मिलियन का फंड हो तो वो टेन मिलियन ट्वेंटी मिलियन के एक्सपोजर्स भी ले कर रख रहे हों स्टॉक और इक्विटी इंडेक्स ट्रेडिंग अंडर ग्लोबल माइक्रो स्ट्रैटेजी एनालाइज इक्विटी और कमोडिटी इंडेक्स ऑफ अब ये इंडेक्स लेवल की बात भी मैक्रो लेवल पे आती है कि आप देखते हैं जी किस मुल्क का इंडेक्स ज़्यादा अच्छा चलेगा किस मेन इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट आएगी तो यू कैन टेक पोजिशन इन दैट थ्रू डिवेटिव ई के थ्रू आप ये इंडेक्सेज में कमोडिटी की भी स्टॉक्स के भी उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये बड़े लेवल पे मेनली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एंड टेकिंग द व्यूज ऑफ द होल मार्केट रादर देन वन पर्टिकुलर सिक्योरिटी सर्टन ग्लोबल फंड इम्प्लॉय स्ट्रेटजी फोकस ऑन ओनली इमर्जिंग मार्केट एक ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजी ये भी है कि कुछ फंड्स हैं जो कहते हैं हम इमर्जिंग मार्केट्स में ही करेंगे इमर्जिंग मार्केट्स आर दोज जो कि डेवलपिंग हैं ग्रोइंग हैं यानी कि ब्राजील है जैसे है, आप इंडिया है ये ग्रोइंग है इमरजिंग है पाकिस्तान सम टाइम इमरजिंग में रहता है समाइम थोड़ा नीचे आ जाता है बट इट इज़ ऑल्सो करेंटली इन द इमरजिंग मार्केट तो जो इनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है so, तो ये इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और इसी को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं देर आर वाइड वराइटी ऑफ जर्नलाइज माइक्रोफंड मच ऑफ विच एम्स टू प्रोफिट फ्राम सिस्टमेटिक एंड मार्केट ड्रेस यानी कि ब्रॉडर मार्केट से ये कैप्चर करना चाहते हैं और वहाँ से अपना स्पेसिफिक रिटर्न के माना चाहते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज इनके अंदर होती हैं यानी मैक्रो फंड इज अ टाइप इसके आगे भी फर्दर मैनी स्ट्रेटजीज आर देयर इमर्जिंग मार्केट की है लॉन्ग शॉर्ट है वट एवर केस में बी डिस्क्रिशनरी ग्लोबल मैक्रो फंड कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो एट एन एसिड क्लास लेवल एंड टॉप लेवल व्यू ऑफ ग्लोबल मार्केट अब ये क्या करते हैं कि एसिड क्लास को देखते हैं अच्छा जी हमारा ख्याल है इक्विटी बेहतर जाएगी बॉन्ड्स अच्छा नहीं जाएंगे तो बॉन्ड्स में आप शॉर्ट हो जाओ इक्विटी में लॉन्ग हो जाओ या रियल इस्टेट बेहतर जाएगी करेंसी अच्छी नहीं जाएगी इस तरह पोजीशन तो ये एसेट क्लास के ग्लोबल लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं दे कैन टेक एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन दे फील लाइक फंड मैनेजर जनरली ट्राई टू क्रिएट पोर्टफोलियोज दैट आउट परफॉर्म इंडेक्स पर हमारा एम क्या होता है कि वी वॉन्ट टू मेक एबनॉर्मल रिटर्न इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं हम अपना अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इसलिए हम अपने वेट्स अपनी सिलेक्शन करते हैं और मेनली वी वॉन्ट टू हैव अ ट्रू सिलेक्शन जाके हमारा रिटर्न मार्केट से ज़्यादा है मार्केट रिटर्न वी थिंक कैन बी अर्न एनी वे वी वॉन्ट टू अर्न एबनॉर्मल रिटर्न तो दीज आर द स्ट्रेटीज एम टू अर्न अ हायर रिटर्न थैंक यू